आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये टारगेट किलिंग का जो टेरर है वो खत्म कैसे होगा, क्योंकि ये जो टेरर है, ये जो दहशत है, अगर ये बढ़ती है तो मतलब कुल मिलाकर आतंकवादियों को सफलता मिल रही है। हम एक एक करके आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता आप देख सकते हैं प्रेम शुक्ला जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुशील पंडित जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, गगन भगत हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आशीष कौल लेखक हैं वो जुड़ रहे हैं इस चर्चा में हमारे साथ, माजिद हैदरी पत्रकार, और हमारे साथ एसपी वेत्सल पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर, जिनके साथ आज मैं इस चर्चा की शुरुआत करने वाली हूं। एसपी वेत्सल, आपका अनुभव क्या कहता है सर, ये जिस तरीके से टारगेट किलिंग का टेरर घाटी में बढ़ता जा रहा है, आज भी खबर आई कि इस वक्त जो श्रीनगर हवाई अड्डा है वहां पर भीड़ उमड़ी हुई है कश्मीरी पंडितों हिंदुओं की घाटी छोड़ने की, इस पर लगाम कैसे लग सकती है सर? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट की आज एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए कि जो लाइकली टारगेट हैं, जो जिनको ये निशाना बना सकते हैं आतंकी, उनको ऐसी रिमोट जगहों पे किसी बैंक ब्रांच में या किसी स्कूल में होना ज़रूरी नहीं है। उनको मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आज विजय कुमार की जो शहादत हुई है, इसको टारगेट किया गया, ये 4 दिन पहले ही उसको वहाँ लगाया गया, ये कौन अकलमंद ऑफिसर है जिसने इसकी पोस्टिंग वहाँ की, जब आपको मालूम है टारगेट किलिंग हो रही है माइनॉरिटीज़ की, आउटसाइडर्स की, आप जो सांबा की बिटिया थी उसकी बात ले लीजिए, जो टीचर थी, उसने अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को 2-3 बार रिक्वेस्ट की कि मुझे खतरा है, मुझे यहाँ से शिफ्ट करें, और उसको बजाय शिफ्ट करने के वो ऑर्डर जब तक होता उसको टारगेट कर दिया गया। तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल अब वक्त आ गया है अकाउंटेबिलिटी का, अब वक्त आ गया है हेड्स मस्ट रोल, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब ये स्ट्रेटेजिक फेलियर है, इस स्ट्रेटेजिक फेलियर को एक्सेप्ट करिए सबसे पहले तो, और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। मानिए कि हाँ, ये जो रणनीति है वो सफल नहीं हो रही, और ऐसे में अब उसमें सुधार की जरूरत है, यही कह रहे हैं सर आप? बिल्कुल यही कह रहा हूं, और मैं समझता हूं एलजी साहब को इस वक्त स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, हेड्स मस्ट रोल। और दूसरा, मेरा ये मानना है कि टेररिस्ट के पास लिस्ट है किसको टारगेट करना है, रोज एक एक को चुन के वो टारगेट कर रहे हैं। मुझे याद आता है 2017 का वक्त, जब मैं डीजीपी था उस वक्त पुलिस वालों को ये हिट कर रहे थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि इनके पास लिस्ट है किस किस पुलिस वाले ने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किए हैं, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिली है, उनको मेडल्स मिले हैं, और ये बारी बारी उनको उन पर सर्वेलेंस रखते थे, उनको टारगेट करते थे। इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनके पास ये सारे टारगेट की लिस्ट है और एक एक करके साफ टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे हम इनको मौका ना दें साफ टारगेट्स को हिट करने का, उनको ये डिनाई करना बहुत ज़रूरी है और इनके खिलाफ कार्रवाई तेज करनी जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद इसका मतलब है जी जी, मुझे जिस ये टेररिस्ट जिस तरह से आते हैं, ब्रेजन आते हैं और शूट करके चले जाते हैं किसी टीचर को, किसी बैंक मैनेजर को, इसका मतलब है इनके मन में खौफ नहीं है कि कहीं भी चेकिंग हो सकती है, और इनका हथियार के साथ अगर ये जा रहे हैं पकड़े जा सकते हैं, मारे जा सकते हैं, इसका मतलब है एक मुहिम तेज करनी पड़ेगी जो सरप्राइज चेकिंग और सरप्राइज फ्रिस्किंग जगह जगह पे होनी ज़रूरी है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को इनके खिलाफ कार्रवाई को तेज करना पड़ेगा, इन जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसको तेज करना पड़ेगा, और लोगों के साथ अच्छा रबता हो ताकि जे एंड के पुलिस को इनके बारे में इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट आ जाए, और इनको इनके खिलाफ जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसको तेज करना पड़ेगा।
पूर्णिया सिटी जानिए। कुड़िया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कुड़िया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।